देख लीजिएगा, सुबह से आपको फोन किया जा रहा है, बात नहीं हो पा रहा है। क्या मजाक बना कर रखे हैं आप? सरकार की बदनामी ना होती है इससे भी। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्या। बिहार इस समय बाढ़ की भयंकर चपेट में है, लोग मदद के लिए सरकार के भरोसे हैं, लेकिन कई जगहों पर तो अधिकारी पीड़ित तो छोड़िए जन प्रतिनिधियों की भी नहीं सुन रहे हैं। एक ऐसा ही मामला जो है बिहार के वाल्मीकि नगर से सामने आया है, जहां के सांसद सुनील कुमार है, लेकिन यहां पर अधिकारी जो है सांसद की ही बात नहीं सुन रहे हैं। अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव ने इस वीडियो का इस्तेमाल करते हुए खास करके नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। आपको बता दें कि वीडियो सांसद सुनील कुमार का है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सांसद बाढ़ पीड़ितों के बीच मौजूद हैं, लेकिन अधिकारी उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। इसे लेकर जेडीयू सांसद फोन पर नाराजगी जताते हुए दिख रहे हैं। जेडीयू सांसद अधिकारियों से फोन पर कहते हैं कि क्या मजाक बनाकर रखे हैं आप लोग, सुबह से फोन कर रहे हैं, आपको उठा क्यों नहीं रहे, सरकार की बदनामी होती है इससे। अब इस वीडियो को तेजस्वी यादव ने इस्तेमाल करते हुए नीतीश कुमार और जेडीयू पर तंज कस दिया है। देख लीजिएगा, सुबह से आपको फोन किया जा रहा है, बात नहीं हो पा रहा है। क्या मजाक बना कर रखे हैं आप? सरकार की बदनामी ना होती है इससे भी। तेजस्वी यादव ने अपने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि ये वाल्मीकि नगर से जेडीयू के सांसद हैं, नौकरशाही से त्रस्त बेचारे सांसद महोदय की बेबसी और बेचारी देखिए, डीएमएसपी तो छोड़िए, सुबह से फोन किए जा रहे हैं लेकिन छोटा बाबू भी फोन नहीं उठा रहे हैं। नेताओं को सरकार की बदनामी का डर रहता है, लेकिन डीके इनके मॉडल पर चल रहे बिहार के अधिकारियों को किसी का डर नहीं है। सीएम को तो होश ही नहीं है, सीएम अपने ही दल के नेताओं के फीडबैक पर काम नहीं करते, विपक्ष की तो छोड़ ही दीजिए। वैसे तेजस्वी ने इस वीडियो को हथियार बनाकर नीतीश पर व्यंग का तीर छोड़ दिया है। वैसे सीतामढ़ी के बेलसंड से जेडीयू के पूर्व विधायक राणा रणधीर सिंह चौहान भी बाढ़ के दौरान अधिकारियों ने जो रवैया अपनाया उससे नाराज हो गए थे। वीडियो में पूर्व विधायक बेलसंड के सीओ पर भड़कते हुए नजर आए। उनका आरोप है कि बाढ़ आपदा के बीच सीओ अपने घर में आराम से सोए हुए हैं। बाढ़ के दौरान प्रशासन के रवैये से जेडीयू विधायक भी नाराज नजर आ रहे हैं और उन्होंने अपने ही सरकार के अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं वाल्मीकि नगर से जेडीयू के विधायक रिंकू सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि जल संसाधन विभाग के अधिकारियों और इंजीनियरों ने तटबंधों की सुरक्षा को लेकर सही तरीके से काम तक नहीं किया है। विभाग के अधिकारी तटबंध मरम्मत के नाम पर पैसा बनाने में लगे रहे, प्रशासनिक अधिकारियों ने लापरवाही बरती है, अधिकारी करोड़ों बनाते हैं। वैसे बिहार में अफसरशाही से ना केवल आम लोग बल्कि खास लोग भी दो चार होने लगे हैं। राज्य के अधिकारियों के आगे अब खास लोग भी बौने साबित होने को विवश हो गए हैं। वैसे ये कोई नई घटना नहीं है, बिहार में इस तरह के अधिकारी एक नहीं, दो नहीं बल्कि कई सारे हैं, जो आम लोगों की तो नहीं बल्कि सांसद की भी बात नहीं सुनते हैं। कुछ महीने पहले की बात करें तो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के जीजा एवं जमुई से सांसद अरुण भारती को भी दो चार होना पड़ा था। दरअसल दड़ी गांव थाने के बड़की करपुड़वा गांव में बीते 31 अगस्त को दिनदहाड़े लोजपा कार्यकर्ता सरोज पासवान की चाकू गोद कर हत्या कर दी गई थी। इस वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई थी। इस मामले के बाद चिराग पासवान के जीजा और जमुई के सांसद अरुण भारती सासाराम पहुंचे थे। करपुरवा गांव पहुंचकर सांसद अरुण भारती ने मृतक पार्टी कार्यकर्ता के परिजनों से मिले और उन्हें मुख्य आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करवाने का भरोसा दिलाया। इस दौरान मृतक कार्यकर्ता के पिता राकेश्वर पासवान भावुक हो गए। ऐसे में सांसद ने परिजन को ढाढस बढ़ाया। सांसद ने कहा कि पूरा लोजपा रामविलास परिवार मृतक के परिजन के साथ खड़ा है। इतना ही नहीं, उन्होंने पीड़ित परिवार के लोगों से कहा कि सरोज पासवान उनके परिवार के सदस्य थे, ऐसे में उनकी हत्या से पूरा संगठन जो है वो दुखी है। वो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के शोक संदेश को लेकर यहां पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने मौके से एसपी को फोन लगा दिया। एसपी ने तो सांसद को पहले ही पहचानने से इनकार कर दिया था। जब बाद में एसपी ने फोन उठाया तो सांसद ने सरोज पासवान की हत्या का जिक्र किया, एसपी ने फोन ही काट दिया। अरुण भारती फोन पर गुजारिश करते रहे लेकिन फोन तो कट चुका था। वैसे ये केवल एक एग्जांपल मात्र है। जानकारों की माने तो ऐसे ही वाक्य से मंत्री श्रवण कुमार भी दो चार
हो चुके हैं। जी हां, बेगूसराय के डीआईजी ने उनसे बात करना ही मुनासिब नहीं समझा था। हालांकि इस संबंध में कई बार जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अवगत कराने का प्रयास भी किया है, लेकिन अफसरशाही के आगे सभी बौने साबित होने को मजबूर दिखते हैं। वैसे आरजेडी पहले से ही ये आरोप लगाती रही है कि नीतीश सरकार कुछ आईएएस अधिकारी के दम पर चल रहे हैं। जन स्वराज ने भी बिहार सरकार पर यही आरोप लगाया था। इन दोनों ही दलों के नेताओं का स्पष्ट आरोप है कि सरकार जो है रिटायर्ड अधिकारियों के नीचे ही चल रहे हैं। हालांकि सत्ताधारी जेडीयू इन आरोपों को सिरे से नकारती रही है। ऐसे में एक और ऐसा वीडियो वायरल होना कहीं ना कहीं इस बात का संकेत देता है कि नीतीश कुमार सचमुच अवसरवादी के नीचे दबे हुए है। खैर, इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है हमें कॉमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस खबर में आज के लिए बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देख कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।